ये बताओ आप, हमारा बेड़ा घर कर दिया, हमारा को घर से अलग कर दिया। ये देखो जरा, ये यू यू लगा हुआ है इतने में जब भागने लगा वॉशरूम, ये फुल कुछ मुझे क्यों, ये वही गंजा है जो पहले पहले ये गंजा वाला है। Assalamualaikum, this is me Minhaj Khan and welcome back after long time भाई। वेलकम हो गया आपका एक न्यू ब्लॉग के अंदर। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोग के लिए दोबारा हाजिर हुआ हूँ बड़े टाइम बाद, आई थिंक 1 month, क्योंकि मसला कुछ ऐसा है, अब जॉब शुरू हो गई और आपको पता है हम परदेश में हैं, तो सीन कुछ ऐसा है, इसी के पैसे हैं, क्यों शर्मा रहा है भी तेरे पास भी मैं आता हूँ। तो यार जॉब शुरू हो गई थी परदेश में, आपको पता है ज़रा सेटिंग करने के मैं टाइम लगता है। स्टार्ट में आए थे तो व्लॉग बना रहे थे, कहाँ जा रहा है, कहाँ चला रहे, व्लॉग बना रहे थे, आपको दिखा रहे थे जो भी रेसिपी वगैरह बना रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो अब जाने का कहीं है ही नहीं, क्योंकि यार सुबह 6 बजे उठते हैं जॉब पर चले जाते हैं, फिर वापसी में 7 बज जाते हैं और आने के बाद कोई हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि हमारा ज़रा काम है, पोर्ट तो आपको पता है बिल्कुल ओपन एरिया होता है वो, इधर की सऊदी दम्माम की गर्मी भी मोस्टली टेम्परेचर 42 to 45 होता है। आप मेरी ये शक्ल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बहरहाल आपका कुछ सीन ऐसा है, जो मैं आज हमारी छुट्टी थी, आपको डेली रूटीन भी बताएंगे कि हमारी क्या डेली रूटीन है रोज़ की यहाँ पर, लेकिन आज हम बना रहे हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी। जब हम आए थे जब हम 3 बंदे थे, अभी तो हमारे साथ बंदे भी ऐड हो गए हैं, हम उन बंदों का भी तारीफ कराते हैं। ये चेक करें, ये हमारे आ गए अपना, क्या नाम है आपका भाई, फरहाद नाम, फरहाद नाम, कहाँ से आप भाई, कराची से आप भाई, क्या करने आए जी, हम इधर ड्यूटी करने आए। क्या ड्यूटी करने आए, कराची में ड्यूटी नहीं थी क्या, बहुत थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना शॉप था टेलर का शॉप, लेकिन वहाँ पे महंगाई बहुत थी, हम लोग आवारा गर्दी भी करते थे ज्यादा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, जहाज भी उड़ाते थे, बस वो जहाज बस उड़ाते थे आप इसे, पायलट था। ये जहाज ये वाला उड़ाते थे। तो ये है हमारे फराज भाई और बलोच भाई, हाई कर दो भाई, शिराज भाई, इनका काम सिर्फ सोना वॉशरूम जाना है और इनकी फाइटिंग करवाना इनका सिर्फ काम है, ठीक है। कल इन्होंने देखे बाल बनाए, माशाल्लाह बालों का क्या हुआ आपका भाई, कुछ बताएंगे आपके बालों के साथ क्या हुआ है, नहीं बता दो, थोड़ा वायरल हो जाओगे यार, लियारी भेजूंगा मैं आपकी वीडियो यार, नहीं बता रहे, चलो अभी इनके मुंह में मावा है, जब ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कराची वाले और मुंह में मावा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने यहाँ पर ये देखो जी, इन्होंने यहाँ पर भी मावे की सेटिंग बना ली है भाई, मावा दिखाओगे भाई कहाँ, ये देखो आप ये देखो वो लेकर आ भाई, ये देखें कराची वाली, ये चेक करें आप, ये देखे दो किस्म के इन लोग ने मावे बनाए हैं, ये कराची वाले हैं, ठीक है। आओ हम उधर जाते थे फराद भाई, ये भी लियारी के हमारे बलोच भाई, बलोची में जरा बोल दो संगे हाल अखल, क्या बोलने कैसे, हेलो बलोची में बोलो, सुनाओ भाई, सोने तो झूठ वशे मजा तू का बस क्लास है, क्या कर रहा है आप बलोची में बताना है, हां रिश्ते के बस हमेशा बीमार तो बैठे हैं रिश्ते ना, वो ब्रांड के लिया नहीं मैं, वो मर्दों में तो मरे से लेकिन मुझे दावत को देखे मर्ची मतलब मवत भी जैसे ना जो पार्टी बनाने के मतलब बिरयानी, व्हाट ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, बिरयानी बनाने मतलब वरे चरे मदद का ऐश करे, बस कर, इसने पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ आया कि बिरयानी बना रहे पार्टी कर रहे हो प्याज काट रहे, जो बलोचे वो समझ सकता है, बाकी मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ओए बाकी ये देखें, ये अभी मैंने एक बार देखा, मेरे को ये नहीं, ये शो करने है, मैं नहीं देखा, ये देखें ये हमारे, ये अब्बा है, अब्बा बलोची में हाय कर दो यार, बलोची में बोलो कुछ, अरे क्या दिखा कोई थोड़ी है, बलोची में वीडियो बन रही है, बलोची में कुछ आए कर दो, अरे अब्बा बलोची में कुछ बंदों को पैगाम दो, पाकिस्तान में कुछ है, अब्बा आज हम क्या कर रहे हैं, अब्बा लसन सिलो ये बताओ बलोची में, अरे असनैन ने इतनी लंबी बात कर दी, रे तुम क्या करता है, तुम शर्मा रहा है यार, नहीं असनैन ने तो बोला, असल में भाई मसला मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो मावा इन्होंने यहाँ पे भी सेटिंग बना ली है, वो है इनके मुंह में, तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहे, अबे साले माफ करना मैं इधर तमीज से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। बहरहाल ये सब सब्जी वगैरह ये आ गए हैं, ये है मामा, तो ये मना कर दें वीडियो नहीं बनाओ, नजर लगती है कराची बोले लोग देख के बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं इस वजह से, ये चावल अल्लाह का शुक्र है यार, आज भाई हम लोग बता रहे हो ना, 1 से 1.5 महीने बाद
तकरीबन हम दोबारा बिरयानी बनाए, लास्ट टाइम बिरयानी बनाई थी तो आप लोग ने पता नहीं पेट में दर्द कर दिया, नजर लगा दी, उसके बाद आज बन रही है, वो भी इन्होंने मामा से इजाजत लिया। आपने इजाजत ली है मामा से? पठानी में बोलो। हाँ बिल्कुल, मगर इजाजत है, जोर से बोलो। बस जोर नहीं है ना। हाँ, इधर हमारे पास पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच सारे मिलकर रह रहे हैं, बस पाकिस्तान के अंदर होता है कि बांट दिया है। जब भी आज अगर सारे एक होकर निकल जाए तो क्या होगा? वाट लगाने दी थी गवर्नमेंट की वाट लगा दे, चोर थे ना सारे, चोर भगा देने थे। ये देखे आप, चेक करें, हम कराची पाकिस्तान के अंदर लड़े होते हैं कि वो सुंदी है, वो बलोच है, वो पंजाबी, वो पठानी, ये सब। ये देखें, ये पठान, ये बलोच, ये उर्दू स्पीक, वो जो मैंने आपको दिखाया है वो सिंधी, ये पंजाबी, ये महाजिर, ये महाजिर, ये सारे हम लोग साथ हैं और देख ले खुश हैं इधर, ठीक है। ये बस पाकिस्तान के अंदर हमें आपस में लड़वाया हुआ है, उसके अंदर उनका है, किसने हमारे हुक्मरानों ने लड़वाया है। हाँ, और इसका इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा, उनको पैसा मिलते है आगे से। और हमारा क्या हो रहा है? हमारा उसमें जो लड़ाई झगड़े होते हैं दिन में बहुत स्कीना भी हो एक दूसरे, तो ये सब करके हमारा कर क्या दिया उन्होंने, ये बताओ। हमारा बेड़ा घर कर दिया, हमारा घर से अलग कर दिया। हाँ ये देखो, तो ये सीन है भाई। तो बस बिरयानी की तैयारियां चलती रहेंगी। अब ये देख करें बरकत कितनी हो गई है। पहले जब आते थे हम शूज वगैरह सिर्फ एक दो तीन दिखते थे, अब देखें कितनी बरकत हो गई है। तो बिरयानी का सीन चलते रहेगा, साथ में तफरी भी चलते रहेगी। अभी चल रही है कटिंग वगैरह, ये हम कटिंग वगैरह पूरी करते हैं, फिर बिरयानी के अगले स्टेप पर जो जाएंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे, इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. भाई फाइनल हमारी बिरयानी बनाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये कपड़े भी धुल रहे हैं यहाँ पर, और ये साथ में गोश्त डाला जा रहा है, कोरमा तैयार हो रहा है, कोरमा, ये चावल भिगा दिए हैं, और ये टमाटर है, ये प्याज है, और वो तेल है, और ये मैं हूँ। बिरयानी बनने में तकरीबन आधा घंटा बाकी, और भूख की शिद्दत जो है ना बढ़ गई है, शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये पठान को इसको सुकून नहीं है, ये बार बार क्या तुम हमारे रूम में आता है यार, हमारा मोहब्बत है, हमारा प्राइवेसी नहीं करो हमारे से ऐसी मोहब्बत यार, हमारा प्राइवेसी, तुम बार बार रूम में आता है, नेट चलाता है यार, क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या मर्जी क्या है, तुम क्यों जा रहा है, तुमने पूछा रूम में जाने का? हाँ क्यों जा रहा है तुम? टांगे दी अल्लाह ने यार, इसलिए जा रहा हूँ टांगों के जरिए। तुम्हारे साथ वो कंपनी में फिलपाइनी वाला सीन हुआ था वो तो बताओ ना यार। अरे थोड़ा सा बता दो, अब थोड़ा सा आसाद हो ना, ऑडियंस को आसाद हो यार, छोड़ देना। नहीं पकड़ा कब है? नहीं हंसा रहा तुम, हंसाओ हम तुम्हें मारेगा, हंसाओ छोड़, तुम्हें हम गुस्सा दिलाएगा। मसरूफ यार। नहीं क्या मसरूफ है, तुम टिकटॉक देख रहे हैं, तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। क्या पूछ? लूलू में लड़ाई क्यों हुई थी ये बता दे। अच्छा वो बताऊंगा बाद में। ये पूछ रात को क्या सीन हुआ? क्या सीन हुआ? हां रात में क्या सीन हुआ था बताना। रात तेरे साथ क्या सीन हुआ? बाल बनाया है, गंजा किया है। क्या गंजा किया है? कौन? नहीं गंजा नहीं, देखा ये घर में गंजा हुआ भाई। ये लूलू में लड़कियों को देख के लड़ाई कर रहा था बंगाली लड़के से। हैं? अबे क्या बोल रहा है ये? तो बताओ ना, रात नींद नहीं आ रही थी। नहीं क्या हुआ ऐसा? बस छोड़ देना। अरे बता, कोई मसला नहीं है, बता। थोड़ी सी इज्जत का ख्याल लगे थे। चल इज्जत का ख्याल रख, अपना लूलू वाला सीन तो बता, क्यों फटा हुआ? लूलू वाला सीन ये था ना मेरा भाई, देखो। हाँ क्या था? कि मैं गया लूलू, हम लोग गए थे, पांच बंदे थे अक्षर करवाने। हाँ ठीक है, तो अफसर मशीन जहाँ पर पड़ी हुई थी उसके साथ में जो है ना सिम वाली मशीन है वो भी पड़ी हुई थी। तो भाई एक मरतबा बंगाली आया, पूछने लगा भाई सिम चाहिए, हमने बोला नहीं भाई शुक्रिया। तो दूसरी मरतबा आया, हम समझा कि अरबी है, तो मैंने अरबी के अल्फाज में बोला शुक्रन भाई नहीं चाहिए, अरबी में शुक्रन बोलते हैं। अच्छा शुक्रन का क्या मतलब? शुक्रिया। शुक्रिया। तो तीसरी मरतबा आया मैंने बोला भाई नहीं चाहिए, अगर देना है ज्यादा शौक है तो फ्री में दे। अच्छा फिर? तो आगे से वो चिढ़ गया। क्या चिढ़ गया? चिढ़ गया, उसको गुस्सा आ गया इस बात में फ्री में दे। तो उसने क्या बोला? मैंने बोला भाई फ्री में नहीं देने, बार बार आवाज नहीं लगाओ। बोलते हमारा काम है हम आवाज लगाएगा, हमने बोला हमारे पीछे आवाज नहीं लगाना। अच्छा बस ये पड्डा शुरू हो गया। क्या पड्डा हुआ? ये पड्डा शुरू हो गया कि वो भी तू तू मैं भी तू तू मैं। अच्छा बस इतने में देखा ये हमारा जो दोस्त है, थोड़ा कैमरा घुमा
ये हमारा जो देश है ना, ये मेन गेट पे पहुंच गया था डर के मारे, इतना बढ़ गया आपका डर के मारे। माशाल्लाह इतनी बड़ी शांड है, इसके औकात उस दिन पता लग गई। हाँ जा डर के, और अगर हम होता तुम्हारे साथ, अरे आपको तो कोई बात ही नहीं है यार। हाँ और अगर मामा होता, अगर मामा तो फिर छोड़ो, मामा तो डॉक्टरी के हिसाब से समझाता हूँ। बदमाश में हम लोग गरीब, अल्लाह ना करे बदमाश तो गांडू को बोलते। गाली नहीं दो ना, साफ सुथरा भी लोग बनाता है ना यार। हम ये तुम्हारा अब्बा भी देखेगा, फिर तुम्हारा अब्बा तुम्हें छोड़ेगा क्या? नहीं हमारा अब्बा नहीं देखेगा रे, नहीं देखेगा, पूरी दुनिया में जाएगा रे। फिलिपाइनी वाला सीन बता दो यार, गर्क हो गया थोड़ा सा तो बता दो यार, ये बड़ी तफरी है। बहरहाल अभी थोड़ा टाइम तो पास करना है ना, जब तक के खाना नहीं बन रहा। मिलते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 10-12 मिनट का हम व्लॉग बनाते हैं बस। ये लोग को इंतजार है, ये लोग समझ रहे कि अभी वीडियो मैंने बनाई, अभी आके पूछ रहे हैं डाल दी गई वीडियो। बताओ इनको व्लॉग बनता है, टाइम लगता है, एडिट होता है। सब्सक्राइब आप लोग जब भी नहीं करते तो सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, जब भी तो रोज़ बनाएगा ना, वरना तो इसी महीने महीने में आएगा भाई। टेंशन ना लो आप लोग, जाओ जाओ जाओ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अपने जैसे नहीं समझना अभी, ये ऐसे नीचे कुछ भी नहीं सही निकला अभी मेरे को अपनी, वो भी एक शर्म है आगे से। ये दिकारत है चूतिया, इसकी ये औकात, ये बैठ गया, ये नजर आ रहा है, वीडियो नहीं बनाना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है चल। अरे ये बैठा हुआ है, इतने में जब भागने लगा वॉशरूम, ये फुल ये चुप रहा है। मुझे वही गंजा जो पहले ये गंजा वाला शकल छुपा रहा है वो अपना। काम ऐसे किया ना, शकल तो छुपाएगा। ये भाई गवाह है। हाँ अरे सही बात है, ये जवान का जवान है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली भैया हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बस हमने ये देखे दम पर रखे हुए दोनों पतीले, इस वजह से हमारे पास पतीले थे वो छोटे थे, तो हमें दो उसमें करनी पड़ी, तो हमें उसमें दो उसमें हमें बिरयानी को करनी पड़ी है। तो और जिसके लिए हमने ख़ास तौर पर बिरयानी बनाई है वो तो हमारे मेहमान है बराबर में रहते, माशाल्लाह वो उम्र अदा कर कर आए, तो हमने सोचा छुट्टी पर क्यों ना उनको बुला लिया जाए और हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। ये नहीं पता कि बिरयानी कैसे बनी, जब खाएंगे तभी बताएंगे आपको। दस्तर वगैरह हमने बिछा लिया है, सब चीज़ें, बस अभी वो अपने मानों को हमने बोला है, वो आ रहे हैं उनका इंतज़ार है, फिर बिरयानी हम ला के रखते हैं, फिर आपके सामने टेस्ट करते हैं और बताते हैं बिरयानी कैसी बनी है। ये अब्बा वगैरह सब मोबाइल में लगे हुए हैं क्योंकि लोग की भूख से हो गई है हालत बुरी। अभी हम उन बंदों को एक दफ़ा दोबारा बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ यार। जमील भाई ये इनका रूम है, जमील भाई हाँ ठीक। भाई ने बोला कि वो हाथ मुँह धोकर आ रहे हैं, सो रहे थे, हमने उनको उठा दिया, डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर रहे यानी कभी तो टाइम हो गया 3:30 हो गए और असर का टाइम भी हो गया, अच्छे खाना खाएंगे, असर की अजान भी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे साथ में, उनकी कोशिश करते हैं। तो अभी बिरयानी आने का रेट है वो आती है तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारे माशाल्लाह ये जमील भाई और हमारे माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, सबको आपको भी हमको उम्रे की सादत हासिल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बेटे जमील भाई बेटे इधर, स्पेशल जगह है आप लोगों के लिए। तो वही फाइनली मेहमान हमारे आ गए हैं, बस अब बिरयानी का देख भी आ रहा है, आने वाला है। इसके भाई नूडल्स वगैरह बनाए थे, इतने इंतजार में थे। अब बस करो बिरयानी बुला ले, जब तस्वीर खींच ना तुम तो कैमरा मैन बन गए हो यार। तो अभी बिरयानी का मुझे लादा फिर निकाल दिया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
यार दानिश भाई बुरा नहीं मानना, ट्रे करीब करना जरा। चलो ये लो भाई, ये लो माशाल्लाह बिरयानी आ गई है। और चेक करते हैं बिरयानी, सब चेक करके बताएंगे ये बिरयानी बनी कैसी है। दानिश भाई आपने माशाल्लाह पहला बाइट लिया, कैसी बनी बिरयानी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। मैं भी ले लेता हूँ, चेक करता हूँ मैं भी। बिस्मिल्लाह वहीम मजेदार, नाइस मजेदार, गरम बहुत हो रही है लेकिन माशाल्लाह सब भाई खा रहे हैं। थोड़ा सा डाल लेते हैं रायता, मज़ा ही आ गया माशाल्लाह। बिरयानी खाने उसके बाद में तो उस्ताद भाई हम दावत वगैरह से बिल्कुल फ्री हो गए थे और फ्री हो गए, अंदर कामों में लग गए थे। और हम अपना दूसरा दिन है जब भी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ ये बोलने के लिए कि अगर आज कल लोग आप लोग को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गला ख़राब ज़्यादा बोले नहीं जा रहा, बस जल्दी जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो, और ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। बाय, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।